नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में लेकर हाजिर हैं हम एक खास रिपोर्ट अंदेशक मानदेय 17,000 को लेकर। अंदेशक मानदेय 17,000 में कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा केंद्र और राज्य सरकार पर, जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मुख्य खबर, अंदेशक मानदेय 17,000 देने पर कितना भार अतिरिक्त पड़ेगा केंद्र व राज्य सरकारों। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्य शुरू, अगले सत्र से क्लास शुरू होंगे। परिषदीय विद्यालयों में पूर्ण किया जाएगा बायोमेट्रिक का कार्य 3 महीने के अंदर। साथ ही बात करेंगे इस बुलेटिन के माध्यम से, हम शिक्षा विभाग की कई बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे आपको, वो खबरें जिनकी रहती है आपको तलाश। तो चलते हैं आज की पहली खबर पर। आज की पहली खबर है अंदेशक मानदेय 17,000 को लेकर। दैनिक भास्कर ने अंदेशकों को 17,000 सैलरी देने पर राज्य सरकार पर कितना खर्च आएगा ये अपने पेपर में बताया है। साथियों आप देख सकते हो इस वक्त अंदेशकों की सैलरी 9,000 रुपये कर दी गई है। केंद्र का हिस्सा 60% यानी 5,400 रुपये, राज्य का हिस्सा 40% यानी कि 3,600 रुपये। कुल अंदेशक 27,555 गुणा 3,600 9,91,98,000 ये बनता है अतिरिक्त भार। सैलरी 17,000 देने पर कितना बनेगा ये देख सकते हैं आप। केंद्र का हिस्सा 10,200, राज्य का हिस्सा 6,800 रुपये। कुल अंदेशक 27,555 गुणा 6,800 18,73,74,000 रुपये। सरकार पर 8,81,76,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी कुछ ही दिन पहले का पेपर है ये। दैनिक भास्कर ने अपने आंकड़ों में दिखाया है कि अंदेशकों को मानदेय 17,000 देने पर राज्य व केंद्र पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब दूसरी खबर लेते हैं, शिक्षा विभाग से ही है। योगी ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों में उन बच्चों को भी प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोरोना संकट में अपने अभिभावकों को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि विद्यालय के सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढंग से अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किए जाएं ताकि अगले शैक्षिक सत्र 2023 तक क्लास शुरू हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सरकार मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। अब किसी भी श्रमिक बाल्य गुणवत्ता शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यहां पढ़ने वाले बच्चों को आवासीय व्यवस्था के साथ हर प्रकार की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। योगी गुरुवार को सहजनवा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये वार्ता कही। अधिकारियों को बताया कि इस पर विशेष ध्यान दें, इस विद्यालय का संचालन अगले सत्र से शुरू होना है। निर्माण की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गुणवत्ता के लिए अन्य एजेंसी से भी जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्माण का जायजा लेने के बाद नक्शे के जरिए पूरे प्रोजेक्ट की पड़ताल की। इस दौरान सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अब खबर है 3 महीने के अंदर बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी परिषदीय विद्यालयों में। अब जो अटेंडेंस होगी शिक्षकों की वो बायोमेट्रिक के द्वारा होगी, जिसका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप देख रहे थे अंदेशक न्यूज़। मिलते किसी और न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।